लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं ठीक बात है, ब्रिलियंट हो अच्छी बात है, सात बुद्धि तो हो लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अपन भी हो, कार्य करने की सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो, क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं, यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील, उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं, लेकिन कितनी शांति, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से अरे सबके बराबर लागू होता, सबके बराबर लागू होता, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा, उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है। उसने इस बात को स्वीकारा कि नहीं मुझे करना है, मुझे रिजल्ट देना है, और परिणाम था उसने संवाद बनाया जनप्रतिनिधि के साथ, नहीं तो यहां तो पहले रोज मारपीट होती थी अधिकारियों में, जनप्रतिनिधियों में काली बलोच होती थी, अगर देखते होंगे कोई शिकायत नहीं, एक संवाद जो संवादहीनता थी, लोकतंत्र को बिना संवाद के हम आगे नहीं बढ़ा सकते, आज ये संवाद कायम हुआ, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, जो पुलिस कभी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बनती थी आज जनता को उसके प्रति ये भाव दिखाई देता है कि नहीं ये मेरी सुरक्षा का काम है, मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी। शिक्षक जो प्लान करते थे नहीं आते थे, स्कूल नहीं आते थे, अब आश्चर्य करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 के पहले केवल 1,34,000 बच्चे थे, 1,34,00,000 बच्चे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 है, और 1,91,00,000 बच्चों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सुविधाएं दी गई है, लेकिन जो हमारे पास 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे, इन स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी, जर्जर थे, टॉयलेट नहीं थे, फ्लोरिंग नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, 60% से वक्त। आज उसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनमें से 1,40,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग दे दी, अच्छा फर्नीचर दे दिया, स्मार्ट क्लास दे दिया,
आपने देखा होगा कल चित्रकूट के जिलाधिकारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सम्मानित किया, चित्रकूट जनपद, वहां पर भी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जो जनपद पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, आकांक्षात्मक जनपद था, उस जनपद में आज कितना परिवर्तन है। आज जाइए वहां दूर दराज के कोल बाहुल्य किसी जनजातीय गांव में जाइए, आज वहां पे बच्चे स्मार्ट क्लास के साथ अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बैठे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे। ये परिवर्तन उसी शिक्षा विभाग के लोग, जो शिक्षक पहले स्कूल में ही जाता था, आज अपने विद्यालय के प्रकृति दायित्वों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। और इसमें से हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, टीम अगर प्रशासनिक टीम चाह ले तो परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। उस परिवर्तन के वाहक के लिए उस प्रकार का चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और ये आपकी लीडरशिप में ही चयन की प्रक्रिया पूरी होती है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्रिलियंट हो अच्छी बात है, साधु बुद्धि तो हो, लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अपन भी हो, कार्य करने की सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो, और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जनविश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था, लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं, यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील, उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विषय के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है, और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है, उसका चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ देना, एक विश्वास का प्रतीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि यदि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम को देख रहा था और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जो टॉप 10 थे उनमें से 8 केवल बालिकाएं थी, जो मेरिट सूची आई थी उसमें 10 की उनमें से 8 बालिकाएं उसमें आई थी टॉप में, और 30% से अधिक बालिकाओं ने उस जो सूची निकली थी उनमें 30% बालिकाएं पास की।
ये दिखाता है कि जब बिना भेदभाव की ओर 75 में से 67 जनपदों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हुआ, 67 जनपदों से भी लोग चयनित हुए। एक विश्वास, आप सोचिए जिस जनपद में, जिस गांव में कोई नौजवान यूपीएससी की या स्टेट की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, तो समाचार पत्रों में वहां पे बैनर न्यूज बनती है वहां कि संघ लोक सेवा आयोग की पुरानी परीक्षा में इस बच्चे का या इस बेटी का चयन हुआ है। लोगों के लिए सुर्खियां बनती है क्योंकि आज भी क्रेज है सर्विस की, और उस सर्विस की क्रेज होने के नाते लाखों बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। लोग देखते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू उनके छपते हैं। आप सोचिए कि एक साथ 75 में से 67 जनपदों में ये समाचार छपे होंगे ना। एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम दे दिया। लेकिन परिणाम अगर केवल भेदभाव पूर्ण होता, प्रयागराज में छपता बहुत होता, लखनऊ में छपता, प्रदेश के अंदर छपता, कोई कॉलम की न्यूज बनकर कहने जाते। लेकिन वहां से कॉलम की न्यूज उन्होंने दी, लेकिन कॉलम की न्यूज जब जनपद में पहुंचती है तो 6 कॉलम का इंटरव्यू उस सफल अभ्यर्थी का होगा जिसका चयन